हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। बेल्ट्रॉन का जो भर्ती निकला फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसका जो है ऑनलाइन आवेदन कल से 26 मार्च से शुरू हो चुका है। और फ्रेंड्स, उसका जो है आज ही जारी किया गया है रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, किस तरह से आपको करना है रजिस्ट्रेशन, उसका ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा निर्देश दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। और फ्रेंड्स, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने कल ही शाम में एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, जो कि आप पूरा डिटेल्स यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर फ़ोटो सिग्नेचर आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके चालान कैसे जनरेट करते हैं, सब कुछ मैंने दोस्तों उस वीडियो में बताया स्टेप बाय स्टेप। तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा मैं शुरू से अंत तक बताया हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि कोई परेशानी नहीं हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में। चलिए दिखाते हैं क्या है इसका नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल आ चुका है बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है डाउनलोड करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा रहा है बेल्ट्रॉन की तरफ से, यहाँ पर आ चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर DEO। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इंग्लिश में है और आपको दूसरा हिंदी में है, तो दोनों देख लीजिए, दोनों सेम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी वाला का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स, जो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है www.beltron.in या besedc.bihar.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जाइएगा आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाई देगा दाहिने तरफ, वहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है आपको एक पेज खुलेगा, उसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है जनरेट होगा, उसको नोट कर लेना। और ये जो आपको फ़ोन में जो नंबर दिए उसमें भी SMS आएगा और जो ईमेल आईडी दी है उस पर भी आपको मेल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आप अपना लॉगिन करके अपना आगे का जो प्रोसेस है प्रोफाइल वगैरह भर सकते हैं, आवेदन को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फोटो सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और दिए गए फाइल साइज के फोटो अपलोड करके उसको आगे करना है। और उसके बाद जो है आपको जो है प्रिंट चलान, जो चलान है वो प्रिंट करके, यानी वो जनरेट होगा, वो प्रिंट करके आपको ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको जमा करना है। 1000 रुपये प्लस 50 रुपये, नहीं 10 से 50 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 3 प्रति में होगा, वो तीनों लेकर जाना है आपको। और उसके बाद जब हो जाएगा जमा, तो वो फिर ला के पुनः जो है लॉगिन करके साइट पे वो जो चलान का जो पूरा डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन नंबर सब उसको डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है आपको जो पेमेंट स्टेटस फ्रेंड्स वो फाइनली पेड हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप फाइनल जो आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके आप प्रिंट करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट जो कि वेबसाइट पर आया है किस तरह से करना है। फिर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आपको बेल्ट्रॉन से संबंधित जो DEO का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कोई भी दिक्कत हो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।